तो वहीं अयोध्या में 2005 के आतंकी हमलावरों पर बरसे स्वामी परमहंस दास। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नैनी जेल में बंद आतंकियों को मिले चुराहे पर फांसी की सजा, इस तरह से बयान दिया है। स्वामी परमहंस दास ने 2005 के आतंकी हमलों पर इस तरह से बयान देते हुए नजर आए हैं। नैनी जेल में बंद आतंकियों को मिले चुराहे पर फांसी की सजा, इस तरह से अपनी मांग रखी है। फांसी के बाद आतंकियों को ना मिले जमीन, ये भी कहते हुए नजर आए हैं परमहंस। उनकी लाश को जलाया जाए, इस तरह से बयान दिया है। 2005 के आतंकियों को लेकर परमहंस ने, आतंकियों का कोई मजहब भी नहीं होता है। देखा जाए तो इस बार इस तरह से बयानों में घिरते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आतंकियों की लाश का करता है क्लेम, उनको भी समझाया जाए आतंकी, इस तरह से बयान दिया है। अपने बयानों से वो एक बार फिर से घिरते हुए नजर आए हैं। आतंकियों की लाश जलाने से आतंकियों को मिलेगा सबक। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक स्थलों में आतंकी घटना जघन्य अपराध है। परमहंस ने इस तरह से बयान दिया है। दरअसल ये बयान उन्होंने 2005 के आतंकियों को लेकर दिया है।